वहीं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के वलपाड़ा इलाके में भयानक आग लगने की घटना सामने आई है। करीब आधा दर्जन दुकानें और गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। थाने से सटे भिवंडी इलाके के एक गोडाउन में देर रात ये आग लगी। बताया जा रहा है कि आग भंगार के गोडाउन में लगी थी। आग ने आसपास के कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया और बताया जा रहा है कि दर्जन भर गाड़ियां भी देखते ही देखते जलकर राख हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की भयानक ये रूप ऊंची ऊंची लपटें उठते हुए दिखाई दे रही हैं। और स्थानीय लोगों का ये भी कह रहा है कि गोडाउन में रखे बाटले फटने की वजह से आग का और भयानक रूप देखने को मिल रहा है। हालांकि सुरक्षा के हिसाब से पुलिस ने आसपास के रास्ते बंद करा दिए और इलाके को भी खाली करा दिया था। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, मगर आग से लाखों का नुकसान हुआ है। किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली थी और अब तक किस प्रकार का यहाँ पर राहत कार्य शुरू? 12:50 को अपने को कॉल आया था कि इधर जो जियो का पेट्रोल पंप है वड़पाड़ा, यहाँ आग लगी है। जब हमने यहाँ आए तो बहुत बड़ी संख्या में इधर आग थी। बाद में हमने हमारा कोशिश आग बुझाने के लिए किया, लेकिन इधर पानी का कोई ये नहीं है, इसलिए थोड़ी आग बढ़ने की शक्यता है। किस प्रकार की यहाँ पर जो ये गाले थे, जो ये जगह था, किस प्रकार कार्य यहाँ से होता था? इधर जो प्लाईवुड है ना, वो लकड़ी का प्लाईवुड और कुछ लोचन है, भंगार की दुकान और कुछ जो व्यवसाय वाले की है, जैसे चाय वाले टपरी, कुछ होटल है और कुछ गाड़ी बचाने की हमने प्रयास किया। गाड़ी बचाई है जो खड़ी थी।